हे hey फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन। पहले हम फार्मूला देखेंगे, फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम फार्मूला देखते हैं, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो करते हैं। साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। हमारा कॉस इधर आया तो माइनस में हो गया। ये आप लोग जानते रहना, क्योंकि इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही हम कर सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। चलो हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो रहा हमारा फार्मूला। साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। चलो हम इस पर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1 हमारा क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। हम इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कितना होगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो देखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा हमारा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कितना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 6 स्क्वायर ए। क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए होगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।